नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिबिस्कस प्लांट की केयर कैसे करें, क्या फर्टिलाइज़र दें और कौन कौन सी बीमारियां हैं इसमें, कौन कौन सी कमियां आती हैं जिसके कि हमें देखभाल करनी बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों ये जो सीजन चल रहा है अभी हिबिस्कस प्लांट, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो फ्लावर्स हैं इनकी साइज़ काफ़ी छोटी हो चुकी है और अब जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो वो अपनी एक्चुअल साइज़ में यानी कि बड़ी साइज़ में खिल के आएंगे। तो इससे पहले नए फ्लावर्स आएँ, नई कलियाँ खिलें, उससे पहले कुछ ज़रूरी काम है जिन्हें आपको अपने प्लांट में कर लेना आवश्यक है। और मैं आपको कुछ 5 ऐसी कमियाँ बताऊँगा हिबिस्कस प्लांट की जो इसमें बीमारियाँ आती हैं, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है उसका। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। तो दोस्तों आइए पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी कमियाँ आती हैं। तो दोस्तों पहली जो कमी आती है हिबिस्कस प्लांट की, ये देखिए पत्ते पूरी तरह से ग्रीन नहीं होते हैं, हल्के पीले पड़ जाते हैं या पूरी तरह से पीले पड़ के गिर रहे हैं। दूसरी, इनकी जो कलियाँ हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, बिना फूल आए गिर जाती हैं या फिर फूल जो आ रहे हैं वो छोटी होती हैं। तीसरा दोस्तों, मिलीबग्स या माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है हिबिस्कस प्लांट पे, तो उन्हें भी हमें उनसे भी इसे बचा के रखना है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट, कि पौधा तो आपका अच्छे से ग्रो कर रहा है पर उसमें जो कलियाँ हैं, कि जो कलियाँ बन रही हैं वो कलियाँ बनने की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इन सबका क्या उपाय है, कैसे इसे ट्रीट करना है पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, कि ये जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं ये अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब आपके पौधे में ओवर वाटरिंग आप कर देते हैं, देखिए जैसे मेरी मिट्टी है ये ऊपर की, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ऊपर की मिट्टी तो पूरी सूखी हुई लेकिन नीचे आपको नमी दिखाई दे रही है, तो ये जो मौसम है इसमें धूप बहुत तेज़ है तो ऊपर की लेयर सूख जाती है, पर मिट्टी को आप चेक करें कम से कम 1 से 2 इंच गहरा खोद के कि मिट्टी वाटरिंग के लिए अभी पौधा तैयार है कि नहीं, क्योंकि जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो रूट रॉट होती है जिससे पौधे जो है न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाते हैं ठीक से और पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। दूसरी जो कमी होती है दोस्तों, कि जो इस पर मिलीबग्स या इसकी वजह से माइट्स अटैक होता है, तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं हम 10 दिन पे 1 बार, 15 दिन पे, या फिर आप कोई भी डिशवाश हो और लिक्विड सोप हो उसे आप 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इस पर आप स्प्रे करिए, इससे ये इनका जो है मिलीबग्स या स्पाइडर माइट्स जो है ये भाग जाएंगी, तो वो आपके रूट्स को जो ख़राब करती हैं, डैमेज करती हैं मिट्टी में मिलके, उससे आपका पौधा प्रिवेंट रहेगा। अब दोस्तों तीसरी बात कर लेते हैं कि जो कलियाँ बनती हैं हमारी उनसे फूल नहीं खिल पाते और वो कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं, तो उसके पीछे जो रीज़न होता है दोस्तों, पौधों को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाना, कंपोस्ट की कमी होना, या फिर किसी रीजन से आपके जो पौधे की रूट्स हैं वो उस कंपोस्ट को ठीक से फीड नहीं कर पा रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पौधे की जो मिट्टी है इसे हार्ड नहीं होने देना है, इसकी गुड़ाई करते रहना है। ऑक्सीजन अगर मिलती रहेगी, एयर पास होता रहेगा मिट्टी से, तो रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो रूट्स हेल्दी रहेगी और जो भी आप न्यूट्रिएंट्स देंगे, जो भी आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, उन्हें रूट्स ग्रहण करेगी तो वो कलियों को प्रोड्यूस करेगी और उससे अच्छे फूल बनते रहेंगे। तो ये दोस्तों कुछ कमियां थी जिन्हें मैंने बताया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप अपने पौधे में ढेर सारी फ्लॉरिंग कैसे ले सकते हैं, क्या कंपोस्ट आपको देना चाहिए। तो दोस्तों कंपोस्टिंग के लिए आप हिबिस्कस प्लांट में आप गोबर की खाद या काउ डंग कंपोस्ट को 1 महीने में 1 बार 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी में मिला दीजिए और वाटरिंग एक रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए जब आपकी मिट्टी आपको ड्राई लगे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर आपकी रूट्स डैमेज होंगी जिससे पौधे डैमेज हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, कि अभी सीजन हिबिस्कस की हैवी फ्लॉरिंग का आ रहा है तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें, जो एक्स्ट्रा हों आपके ब्रांचेस आपको पौधे की शेप में सही ना आ रहे हों तो उन्हें आप प्रून कर सकते हैं, और प्रून करने के बाद जो ब्रांचेस नहीं आएंगी उसमें जो बड्स आएंगी, कलियां आएंगी, वो बड़ी साइज़ की आएंगी और उनसे ढेर सारे फ्लावर्स आपको मिलेंगे।
तीसरी दोस्तों कि आपको जो पौधे पे 10 दिन में एक बार किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़रूर फीड कराना है। जैसे आप सरसों की खली से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या ऑनियन पील फर्टिलाइज़र हो, तो इन्हें आप अगर मिलाते हैं पौधे में डालते हैं। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र में दोस्तों मैग्नीशियम होता है, वो आपके पौधों के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो आप इन्हें 10 दिन में एक बार पानी में मिला के दे सकते हैं। दोस्तों हमारा हिबिस्कस प्लांट जो है ये इंडोर प्लांट नहीं है, तो इसको आपको दिन में करीब करीब 4 से 5 घंटे की धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर धूप इसको पत्ते पौधों को नहीं मिलेगी तो जो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ये पौधा नहीं कर पाएगा और अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसकी वजह से भी जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की कमी होती है वो इस पौधे में आती है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें लास्ट में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आप देख रहे हैं ये हमारा सीविड ग्रैनुअल्स है और ये है डीएपी। दोस्तों आप फ्लावर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो डीएपी यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर फ्लावर्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से हमारे पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग आएंगी, करीब करीब आपका पूरा पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि 8 से 10 ग्रैनुअल्स आप सीविड के लेंगे और इसके साथ आप अगर आपका 12 इंच का गमला है जिसमें आपने वो लगा रखा है पौधा, तो 8 से 10 ग्रैनुअल्स आप सीविड के लेंगे और 6 से 7 ग्रैनुअल्स आप डीएपी के लेंगे और इन्हें मिक्स करके इसमें मिट्टी में इस प्रकार डाल देंगे। और डालने के बाद आप इसमें कर देंगे वाटरिंग, जिससे कि ये जो ग्रैनुअल्स हैं ये डिजॉल्व हो जाए और मिट्टी में मिल जाए। फिर दोस्तों आप देखिएगा 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट आपके पौधे पे देखने को मिलने लगेगा। आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी और अगर फ्लावरिंग्स नहीं आ रही हैं तो सभी पौधों में कलियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।